हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं. ओके, माय नेम इज अहमद. हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट. वेल, माय नेम इज अहमद मुमताज एंड आई एम द सीनियर स्ट्रेटेजिक प्लानर एट विफी. और मैं विफी में एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, नॉलेज लेवल का. ACCA का एक नॉलेज लेवल होता है, एक स्किल लेवल होता है, एक प्रोफेशनल लेवल होता है. तो तीनों ही लेवल्स में मैं एक एक पेपर पढ़ाता हूँ. बिफोर वी प्रोसीड, मैं चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ी सी कंफर्मेशन कर दें. फॉर एग्जाम्पल, अलिश्पा या जैनब, आप में से कोई एक, एम आई एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आप, यू गाइज आर मोर देन वेलकम. क्या आप माइक यूज कर सकते हो? आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हो? हेलो 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 हेलो. ओके, थैंक यू अलिश्पा, थैंक यू जैनब, थैंक यू वेरी मच. ओके, सो हमें मूव करना चाहिए टुवर्ड्स द मेन एजेंडा. और मेन एजेंडा ये है कि दिस इज अ करियर काउंसलिंग सेशन. एंड आई बिलीव कि जो लोग ये सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, उन्होंने या तो अपना मैट्रिक कर लिया होता है, या ओ लेवल्स फिनिश कर लिया होता है, या ए लेवल्स फिनिश कर लिया होता है, या सम सॉर्ट ऑफ इंटर कर लिया होता है, जैसे कि FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल, इस किस्म का कुछ स्टफ वो कर चुके होते हैं. एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ. मतलब ये वो टाइम होता है जिसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टूडेंट खुद इतना मेच्योर नहीं होता कि वो बहुत ही वाइज डिसीजन ले रहा हो या बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन ले रहा हो. बस उसको अपने इर्द गिर्द जो नजर आ रहा होता है, जिसकी वो ज्यादा बात सुन रहा होता है, या जो उसके क्लोज सर्कल में, फैमिली में कोई एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है, तो बस उसी को देख के हम जो है वो इंस्पायर हो रहे होते हैं. हमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वो एज होती है, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान में, जहाँ पे हमें खुद इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है या हमारी स्ट्रेंथ क्या है. आइडियली स्पीकिंग, तो हमें वो पढ़ना चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ है. अगर किसी का इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में, वाई नॉट? किसी का इंटरेस्ट अगर लॉ में, वाई नॉट? अगर किसी का इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर में है, ही वॉन्ट्स टू, शी वॉन्ट्स टू बी एन एम्प्लॉयर एज सून एज पॉसिबल, देन वाई नॉट? तो सारी की सारी बात इंटरेस्ट की है. तो बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. तो भाई, बात कुछ इस तरह से है कि इस वक्त, एज वी स्पीक राइट नाउ, पाकिस्तान में जो अब मॉडर्न टाइम्स हैं, जो आज का अभी जो जमाना है, वो टाइम वो है जिसमें आप तब ज्यादा सक्सेसफुल होंगे जब आप इस पोजीशन में हो कि आप अपनी पढ़ाई को खुद फाइनेंस कर सकें. यस, आई यू हर्ड मी राइट. अपनी पढ़ाई को खुद फाइनेंस करने का मतलब ये, दैट आइडियली स्पीकिंग, देखो जो वेस्ट है या यूरोप है हमारा, उस सब में क्या होता है, अमेरिका से लेके यूके तक, पूरे यूरोप में सेम कहानी है, इवन मिडिल ईस्ट और इंडिया में भी, मेजोरिटी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को खुद फाइनेंस करते हैं. अनफॉर्चुनेटली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम पॉकेट मनी पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, और हमारा यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है और जो हमारा यूनिवर्सिटी का कल्चर है, वो भी अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह से है कि सुबह को आप 8 o'clock घर से निकलते हो, फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock यूनिवर्सिटी पहुंचते हो, एंड अप्रोक्सीमेटली शाम को 5-6 बजे वहां से निकलते हो, 7 बजे घर पहुंचते हो. यू आर एब्सोल्युटली ड्रेन्ड. आप में कोई फिजिकल और मेंटल स्टेमिना नहीं है कि अब आप कोई और काम कर सकें, या कुछ कर कुछ यू नो अब कुछ पैसे कमा सकें. क्या पैसे कमाना पढ़ाई के साथ जरूरी है? व्हाई नॉट? आई थिंक जितनी क्राइसिस में है इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी, सो द यंगस्टर्स हैव टू स्टेप अप. हमें हमें कपड़े पाकिस्तान के बाहर के पहनना पसंद है, हमें वेकेशंस पाकिस्तान के बाहर की पसंद है, हमें फोन खरीदना बाहर का पसंद है, हमें मूवीज पाकिस्तान से बाहर की पसंद है, देन व्हाई नॉट टू अडॉप्ट कल्चर इस कॉन्टेक्स्ट में. अगर हम उनके और डिफरेंट एंगल्स में कल्चर्स को लेके इंस्पायर होते हैं और इम्प्रेस होते हैं, तो ये जो पढ़ाई और हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, ये जो हम अपने पेरेंट्स के पैसों से लेके अपने पैसों तक का सफर है, इसमें क्यों नहीं हम उनको अपना रोल मॉडल समझते? 20-21 years old और मे बी 18+ जो लड़का या लड़की यूके में है, अमेरिका में है, इवन मिडल ईस्ट में है, वो तो अपनी पढ़ाई को खुद फाइनेंस करना शुरू कर देता है, काम करता है, काम करने के साथ साथ, लड़का हो या लड़की, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, देन वाई नॉट इन पाकिस्तान? तो आपको और मुझे इस कल्चर और इस फिनोमिना से बाहर निकलना है जिसमें हम पॉकेट मनी पर चल रहे होते हैं. और ACCA एक ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ए, जिसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है, जिसकी जॉब्स ग्लोबली अवेलेबल हैं, सी, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है ये पढ़ाई. किसी स्टूडेंट को बहुत जल्दी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, मे बी वो क्वार्टरली 2 पेपर्स दे रहा हो, किसी स्टूडेंट को चीजें स्लो एब्जॉर्ब होती हैं, इट्स ओके.
कोई कंपटीशन, कोई रेस नहीं है। हो सकता है वो वन पेपर कर रहा हो एक क्वार्टर में। सो इसका मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड तक, न्यूजीलैंड से लेके यूके तक, यूके से लेके अगर इवन आप यूरोप से बाहर भी निकल जाते हैं, किसी भी जगह मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं, सऊदीया, बहरीन, कतर, अबू धाबी, इन सब जगहों पे, हर जगह पे ACCA स्टूडेंट को, ACCA मेंबर को अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी होती। HR मैनेजर, एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी जानते हैं कि ACCA कौन है और क्या है। और इस बात को आगे लेके चलते हैं, मैं जरा अपने कुछ और फेलो कुलीग्स को, अपने कुछ रिस्पेक्टेड गेस्ट को जरा वेलकम कर लूं। सो आई हैव गॉट मिस्टर ताहा पोपाटिया फ्रॉम कराची, एंड मिस्टर ताहा पोपाटिया इज एन ACCA मेंबर, एंड मिस्टर ताहा पोपाटिया इज एसोसिएटेड विद विफी, और ये विफी में फाउंडेशन लेवल का पेपर पढ़ाते हैं विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड उसके बाद ये प्रोफेशनल पेपर्स में एक ऑप्शनल पेपर पढ़ाते हैं विच इज एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम सर ताहा को वेलकम करते हैं इस आज के करियर काउंसलिंग सेशन में। सर ताहा, कैन यू हेयर मी? जस्ट अ लिटिल कंफर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मजे में सर, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, फिट फाट। बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे थे आप, मैं फॉलो कर रहा था, जी सुन रहा सही था। सही सही, थैंक हाँ यू वेरी मच। तो बात मैं चाह रहा हूँ जरा, मैं असल में चाह रहा था सर, वैसे तो मैं जरा एक सेकंड देख लूँ कि हमारे पास, ओके मेरे, यस हमारे पास सर सैयद अमजद भी अवेलेबल हैं। अगेन सर सैयद अमजद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स टू विफी, क्योंकि अगेन ये एक पेपर पढ़ाते हैं फाउंडेशन के लेवल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, एंड देन उसके बाद अगेन जंप कर जाते हैं प्रोफेशनल लेवल के ऊपर और स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग SPR का पेपर पढ़ाते हैं। सर अमजद आप हैं हमारे साथ? कैन यू हेयर मी? जी सर, अवेलेबल सर। अस्सलाम ओके सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम एवरीवन। सर अल्लाह का करम एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। काफी टाइम के बाद दिख रहे हैं आप, बट इट्स गुड टू सी यू। होप एवरीवन इज गुड नाउ। सही सर, वो बस रिजल्ट मंगवाते हैं आपके, फिर देखेंगे आपको। अच्छा सर, इंशाल्लाह। तो आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। अच्छा तो मैं बात कुछ सर ये करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था ये था कि जो भी हमारे, हमने जो लोग सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस नूर है, शिवम कुमार है, मोहम्मद उमर है, मायरा है, वेल अर्श अजीज है, जैनब है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। मैं ऑब्वियसली सबके नाम अभी नहीं ले रहा। ओके, मैं ये चाह रहा था कि हम केस बिल्ड करना मैं चाह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूं एंड आई एम डन विद माय ओ लेवल्स और ए लेवल्स, और मे बी आई एम डन विद माय मैट्रिक और FSC। तो अगर हम ये यहां तक मैं अपनी पढ़ाई में पहुंच चुका हूं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक मैं जो पढ़ रहा था वो मैं बस पीयर प्रेशर में पढ़ रहा था। मेरे कजन्स पढ़ रहे थे, मेरे सिबलिंग्स पढ़ रहे थे, मेरे स्ट्रीट फेलोज पढ़ रहे थे, तो मैं भी पढ़ रहा था। तो मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि मैंने अब जिंदगी में आगे क्या करना है। सो इस सेशन का मकसद ये है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें हेल्प करें, हम कि हम स्टूडेंट्स को ये बता सकें। आई थिंक सबसे पहले तो हम बच्चों को ये बता सकें कि ओके फाइन, तुम्हें ACCA करना है या नहीं करना, फॉरगेट अबाउट इट। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक 100+ कंट्रीज में वेल रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिसकी फाउंडेशन और जिसकी हिस्ट्री 100+ ईयर्स पे, आई थिंक 1906 में कहीं ACCA प्रोफेशनल बॉडी स्टैब्लिश हुई थी। तो स्टूडेंट्स को पहले तो ये पता हो कि ACCA इटसेल्फ क्या है। तो ब्रीफली अगर सर ताहा आप मुझे बताएं कि यार ये ACCA है क्या? इमेजिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है सर। तो व्हाट इज ACCA? आई होप कि मुझे मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी लाउड एंड क्लियर। जी सर, और देखिए बच्चों, एक आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं तो जैसे ही आप अपना इंटर या ए लेवल्स कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। चाहे जितनी भी आप में स्किल्स हो, चाहे जितने भी आप क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, लेकिन जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपको एक या तो डिग्री की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की सपोर्ट की ज़रूरत होगी दुनिया के सामने ये प्रूव करने के लिए कि जनाब ये चीज़ें मुझे आती भी हैं और इसकी सर्टिफिकेशन भी मेरे पास मौजूद है। तो अगर आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए, जैसे ही आप अपना इंटर या ए लेवल्स कंप्लीट करते हो और उसके बाद फिर आप बैचलर्स की तरफ या किसी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हो,
तो उसमें से ACCA एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। जब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद CA करने का सोच रहे हों। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर चार मेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है। पहले एक ज़माने में सिमा भी बहुत कॉमन होता था, लेकिन अभी हमारे पास ACCA, CA फ्रॉम ICAP, ICMA और उसके अलावा PIFA, ये चार चीज़ें हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस और बैचलर्स का माहौल आपस में डिफरेंट होता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको सर्टिफिकेशन मिलती है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज मोर फ्लेक्सिबल। नाउ कमिंग टू ACCA, ACCA एक ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो। लाइक बैचलर्स में अगर आपने 4 साल में ही बैचलर्स होना है तो ऐसा यहाँ नहीं है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं जिन्होंने 1.5 साल में, 1.5 साल में अपने ACCA के सारे पेपर्स क्लियर कर लिए हो और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले गए हो। सो इफ यू आर एन इंडिविजुअल जो कि मेहनती है, एनर्जेटिक है, अकाउंटिंग का शौक है, लॉ टैक्स पढ़ने का शौक है, थ्योरेटिकल अप्रोच आपकी अच्छी है, आप चाहते हो कि आप फाइनेंस की फील्ड में जाओ, आप चाहते हो कि आप अकाउंटिंग की तरफ जाओ, आप चाहते हो कि आप जो है वो लॉ को समझो, टैक्स को समझो, तो ये एक अच्छी फील्ड है आपको ऑप्ट करने के लिए। इसके स्कोप की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक कोर एक्टिविटी होती है और फिर उसकी एक सपोर्ट एक्टिविटी होती है। ACCA या कोई भी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस की फील्ड की एक, मैं कहूँगा कि एक बहुत बेहतरीन बात यह है कि अगर मैं कोर एक्टिविटीज की बात करूँ तो एक अकाउंटेंट अपनी ऑडिट फर्म में भी काम कर सकता है। ऑडिट उसका कोर एक्टिविटी होती है, वो बिजनेस की एडवाइजरी दे सकता है, वो टैक्स की कंसल्टेंसी कर सकता है। साथ में अगर हम किसी और इंडस्ट्री की बात करें, लेट से हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहां पर भी अकाउंटेंट की जरूरत है। अगर हम इंजीनियर्स होकर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, किसी जगह पर सिविल एविएशन की बात करते हैं, वहां पर भी अकाउंटेंट की जरूरत है। सो अकाउंटेंसी एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो ना सिर्फ अपनी प्राइमरी एक्टिविटी के लिए मशहूर है, बल्कि जहां जहां कोई और डिपार्टमेंट या कोई और क्वालिफिकेशन लोग परस्यू कर और कैरियर को परस्यू करते हैं उसमें भी अकाउंटेंट की जरूरत होती है। सो हैविंग सेड दैट, इसकी जो ग्लोबल आप कह लें कि डिमांड है वो इन कंपैरिजन टू अदर फील्ड्स बहुत ज्यादा होती है। इस क्वालिफिकेशन को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कवर कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना ए लेवल्स कंप्लीट करते हैं तो आप 13 पेपर्स देने होते हैं आपने, आप F1 से स्टार्ट करते हैं और EEE पे खत्म करते हैं। आखिरी 2 पेपर्स ऑप्शनल होते हैं, उसके बारे में हम आपको कुछ डिटेल्स और देंगे। और अगर आप इंटर के बाद स्टार्ट करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपने इंटर कॉमर्स किया या इंजीनियरिंग या कहाँ से किया है, आपको 17 to 15 पेपर्स देने होते हैं। सर अहमद, आप कुछ ऐड करना चाहें फर्दर? आई गेस सर अहमद, सर अमजद, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में सर तो अहमद सर आई के, थिंक सर अहमद का कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। कुछ चीजें आई थिंक बहुत सारी चीजें जो आपने शेयर की दोज आर वेरी गुड। अच्छा कुछ चीजें मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरा स्किप हो गया था। वैसे आई एम एन ACCA मेंबर, ऑल ऑफ यू जो सेशन में है, एंड आई एम एन एडवोकेट एज वेल। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ और अकाउंटिंग के साथ इट्स ट्रिमेंडस मार्वलस कॉम्बिनेशन। जो अभी सर बात कर रहे थे, अगर आप लॉ समझना चाहते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग आफ्टर ACCA आई स्टार्टेड माय LLB एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर BTC बैरिस्टर ट्रांसफर कोर्स, जिसके अंदर आप इंटरनेशनल लॉयर फोरम पे काम कर रहे होते हैं। बट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न मल्टीपल एस्पेक्ट्स। ACCA वो कमाल क्वालिफिकेशन है, नॉट जस्ट ACCA, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, बिकॉज इट्स वे डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं जिस तरह कन्वेंशनल क्वालिफिकेशन जैसे पाकिस्तान में है मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर डूइंग विद योर मैट्रिक और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, तो वहां पर आपको एक सेट पैटर्न पढ़ाया जाता है, उसी सेट पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, टीचर आपको प्रिपेयर करवा रहे होते हैं, एंड यू विल बी अपीयरिंग दैट। बट इन केस ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA, ACCA, ICMA और PIFA, यू आर प्रोवाइडेड विद सिनेरियो। आपको कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना है और उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन दिखानी है। ये है आपका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। आई थिंक समवन हैज जस्ट सेंड अ मैसेज कि ACCA की जॉब मार्केट क्या, तो फ्रेंकली स्पीकिंग जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जब भी कोई नया बिजनेस बनेगा ना बच्चे, तो उसमें सबसे पहले इंडिविजुअल जो अपॉइंट होगा दैट इज एन अकाउंटेंट, ये याद रखिएगा। सो अब इससे आप थोड़ी सी ये समझ लें कि प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है। सेकेंड, जब वो बिजनेस बंद होने जा रहा है तो सबसे आखिरी इंडिविजुअल जिसने उस कंपनी को छोड़ना है वो भी अकाउंटेंट है।
और ये समझ जी लें, दिस प्रोफेशन इज नोन एज अ रिसेशन प्रूफ प्रोफेशन। उसकी वजह के अकाउंटेंट्स की जरूरत हमेशा रहती है। कोई छोटे सा दुकानदार भी है ना, तो उसको भी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है। नो डाउट इन पाकिस्तान माइट बी यू नॉट अवेयर, और ये जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको हम नाम देते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, वहां पर शायद अभी अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। इफ यू वेंट टू यूके, यू कांट इवन इमेजिन, विदाउट द सिग्नेचर ऑफ एन अकाउंटेंट यू कैन नॉट इवन सबमिट योर टैक्स रिटर्न। और वो टैक्स रिटर्न सबमिशन आपका टैक्सी ड्राइवर भी वहां कर रहा है, वो स्वीपर भी कर रहा है, एवरीवन। और वहां आप समझ लें कि अकाउंटेंट्स की डिमांड क्या है। रिसेंटली आई वाज लुकिंग इनटू वन रिपोर्ट जिसमें अराउंड आई थिंक 4 to 5 लाख अकाउंटेंट्स का शॉर्टफॉल आ रहा है जस्ट इन यूएस। यू कैन वेल इमेजिन के प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की डिमांड क्या है। सो समवन इज आस्किंग अबाउट ओबीयू डिग्री, और वो 2026 में बंद होने जा रही है। एक आपको हिंट देने जा रहा हूं, एसीसीए फॉर श्योर किसी और क्वालिफिकेशन या किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कोलेट जरूर करेगा, एक मेरी अजम्पशन है, बिकॉज इट्स वेरी सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन ओबीयू डिग्री एंड एन एसीसीए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है एंड यू डोंट हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यू कैन नॉट लॉन्च योर सेल्फ इन टू अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। अभी याद रखिएगा, आप बेसिक रोल पे तो कहीं ना कहीं जरूर अपॉइंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी अकाउंटेंट ज्वाइनिंग एज एन अकाउंटेंट, बट यू कैन नॉट बी प्रोग्रेसिंग योर सेल्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ यू डोंट हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये बहुत प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ना ओबीयू का और एसीसीए का, तो उसके लिए फिर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है और अच्छा आपको आस्पेक्ट मिल जाता है। अच्छा, ये किसी स्टूडेंट का और क्वेश्चन है कि हम एसीसी ऑप्ट करके यूएस में मूव कर सकते हैं? फॉर श्योर, इस वक्त एसीसी, मुझे नहीं पता ऑडिट फर्म्स के क्या हालात हैं, बट राइट नाउ व्हाट आई केम टू नो कि इफ यू आर एसीसी क्वालिफाइड इंडिविजुअल, तो ऑडिट फर्म्स काफी हद तक प्रेफर भी करें। फिर यूके बेस्ड फर्म बहुत ज्यादा हैं, फिर वो फर्म्स आपको स्पॉनमेंट के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट्स डिमांड्स खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बढ़ रही है, और वहां पर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं आर्ट्स को, मतलब जो आपके ह्यूमैनिटीज कोर्सेज हैं उनको। दे डोंट गो इनटू द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बिकॉज दोज आर टफ। अभी मैं रिसेंटली काफी सारे स्टूडेंट्स जिनसे डिस्कशन होती है, रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मेरे एक स्टूडेंट था जो स्कॉनमेंट पे गया यूएस सीए करके, एक स्टूडेंट था, और एक स्टूडेंट एसीसीए के साथ जो मेरे अपने क्लोज रिलेशन में है, दे मूव टू यूएस, और वहां पर राइट नाउ ही हैड क्लेम हिज पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी क्लेम किया। तो आप ये समझ लें कि किस लेवल पे जाकर आपके काम, और बहुत सारे ऑडिट फर्म्स हैं जो आपके आर्टिकलशिप के अंदर आपको किसी ना किसी और कंट्री में, स्पेशली स्कॉटलैंड में जरूर भेजते हैं। उसका फायदा आपको ये होता है कि आप वहां जाकर अगर अपनी एफर्ट्स दिखा रहे हैं एंड यू आर कॉम्पिटेंट इनाफ, तो वो फर्म कभी भी आपको वापस नहीं आने देगी, समझे? सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर इंडिविजुअल्स हु आर डूइंग एसीसीए और द प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन। स्पेसिफिकली अगर एसीसी की बात करूं, तो एसीसी की एक्रेडिटेशन अक्रॉस ग्लोब बहुत अच्छी है। अगर यूएस को सिर्फ निकाल भी दे, वहां जाकर ऑब्वियसली आप लोगों को सीपीए करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन सस्टेन योर सेल्फ विद इन दैट टेरिटरी, द यूएस मार्केट। क्योंकि जाहिर है यूएस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और यूएस हमेशा एक उसकी एक साइकी है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो डोमिनेंट पोजिशन पे रहता है। अगर आप देखेंगे वहां जाएंगे तो आपको सीपीए करना पड़ेगा और एग्जेम्पशन कोई नहीं मिलता। बट इफ यू आर मूविंग टू कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और एनी अदर कंट्री, आपको वहां पर एसीसीए की एफिलिएशन जरूर नजर आएगी, जिसकी वजह से आपको एक एक्रेडिटेशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया अगर जाते हैं तो सीपीए ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको सिर्फ दो पेपर देने पड़ते हैं। अब उसकी एक बहुत बड़ी रीजन, जो मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि यूएस में उनका अपना गैप चलता है, जो एफएएसबी है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो अपना गैप है यूएस गैप, वो एप्लीकेबल है। तो फिर हमारे और यूएस गैप, आईएफआरएस में यूएस गैप में बहुत स्लाइट डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन उन डिफरेंसेस की बेसिस के ऊपर वो कहता है यार नहीं, आप सीपीए करेंगे तभी हम आपको ऑप्ट फॉर करने देंगे, अदरवाइज यू कैन डू योर अकाउंटेंसी जॉब, आप कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट वर्क एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑन योर सेल्फ इंडिपेंडेंट बेसिस के ऊपर। तो ये एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज आप किसी भी और कंट्री में चले जाएं, इफ यू आर एन एसीसी मेंबर, इवन इन पाकिस्तान मैं ऑडिट तो परफॉर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन बाकी जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड, आई कैन प्रोवाइड टू द जनरल पब्लिक। इवन मैं अगर आपको बताऊं, बीइंग एन एसीसीए क्वालिफाइड, आप अगर सिर्फ इनकम टैक्स बार के अंदर, आईटीबी के अंदर रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आपकी एसीसीए सर्टिफिकेट इज मोर देन एनफ।
और अब आप रिसेंटली आपको जैसे अब आजकल फाइनेंस बिल आ रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि टैक्स की इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है, जनरल टैक्स का काम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होगा। सो उस बेसिस के ऊपर आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, रादर कि आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, राइट? सो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। ओवर टू सर अहमद सर, इफ यू वॉन्ट टू एड समथिंग। आई होप मैंने बहुत सारी बातें की, बट दिस इज नॉट जस्ट बेहतरीन अ सर। मोटिवेशन, दिस इज अ रियालिटी ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंकली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट, दिस इज रियालिटी, एक्चुअल रियालिटी। और ये जितना जल्दी समझेंगे स्टूडेंट उनके लिए उतना बेहतर है। एंड एज सून एज यू क्वालिफाई योर ACC और पार्ट क्वालिफाइड, इवन बहुत सारे ACCs हैं जो घर बैठ के कमा रहे हैं, ऑनलाइन अकाउंटिंग के इतने जॉब रोल्स हैं कि आप लोग खुद यू गॉट शॉक्ड यार, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड वी थॉट अबाउट कि हमें कहीं जॉब ही जरूर करनी है। सो जॉब से हटके भी सोचेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे बैठ के US के लिए अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, उनको थोड़ा प्रॉब्लम ये आता है जब वो फाइनलाइज अकाउंट करने जा रहे होते हैं तो फिर मुझे उनके साथ बैठना पड़ता है, आई हैव टू हेल्प देम अलॉट। लेकिन दे आर अर्निंग, यू विल बी शॉक, दे आर अर्निंग मोर देन 600 to 700,000 पर मंथ सिर्फ उस जॉब रोल के ऊपर, जो F7 और F8 क्वालिफाई करके बैठे हैं स्टूडेंट, जो इवन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में भी नहीं गए। आई कैन शेयर द एग्जाम्पल्स विद यू। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन कॉन्टेक्ट रहते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं। सर अहमद अपॉलोजीज, मैं फिर दोबारा शुरू हो गया था, प्लीज। नहीं सर, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। आई थिंक सर ताहा और सर अमजद की बात को अगर समराइज किया जाए तो समरी अभी तक मुझे जो समझ आई है वो ये आई है कि एक क्रिकेट टीम है, फॉर एग्जांपल कराची किंग्स, फॉर एग्जांपल एक शैम्पू बेचने वाली कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक टेलीफोन सेलफोन बेचने वाली कंपनी है, कोई मूवी मूवीज बनाने वाला सीन है, कुछ भी, कोई भी लैपटॉप जो आप यूज कर रहे हैं, जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, जो बैंक अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होगी? तो हाँ, शायद स्मॉल बिजनेस को, शायद 5-6 लोगों पे, इवन अगर 10 लोगों पे मुश्तमिल भी कंपनी होती है तो उसमें 10 में 1 बंदा अकाउंटेंट तो रख ही लिया जाता है। तो एग्जैक्टली जैसे कि लिखा जाता है, लाजमी है, मैंडेटरी। बिल्कुल, क्योंकि कब कब तक, हाँ अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, मे बी वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा हो, बट जैसे ही 4-5 लोग होंगे तो अकाउंटेंट्स की जॉब्स आर ऑल ओवर द सर अहमद, प्लेस। योर वॉइस अच्छा इज मैं ब्रेकिंग जरा, सर। अभी सही है सर मेरी आवाज? जी सर, दाने जी सही है सर, सर। सही है, ओके। मैं जरा थोड़ा सा चैट बॉक्स को देखता चलूं। चैट बॉक्स में मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाई चूज ACCA अमंग, वेल इन कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटी डिग्रीज या अदर कोर्सेज। देखो यार, मैं इसका क्विकली खुद ही आंसर देता हूँ, स्पेशली मैं जरा कराची मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर बोल रहा हूँ, मगर आई थिंक बात पूरे पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल है। तो कराची से लेके इस्लामाबाद तक ऑन एन एवरेज इस टाइम एक डॉक्टर जो है ना, वो 1 करोड़ रुपए में उसका खर्चा आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। और अच्छी यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BBA और इंजीनियरिंग भी तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिलियन, यानी कि 40-50 लाख का खर्चा आ रहा है। और फिर कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी जॉब्स भी नहीं है, अनटिल अनलेस के आपके अब्बू और आपके दादा और आपके चाचा ऑलरेडी डॉक्टर थे और आप एक चलते चलाते हॉस्पिटल को टेकअप कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से बात कर रहे हैं तो कोई कोई आपके लिए ल्यूक्रेटिव अनफॉर्चुनेटली जॉब्स भी नहीं है। हाँ वो यही है, आप पाकिस्तान से बाद में बाहर चले जाएंगे, मगर उसके लिए भी वहां जाके 4-5 साल और पढ़ें, 10-12 साल बाद आप शायद कुछ स्टेबल होंगे। मैं क्यों ACCA परसू करूंगा? अगर मुझे आज भी परसू करना हो फ्रॉम द जीरो, मैं इसलिए ACCA को परसू करूंगा क्योंकि ACCA की टोटल कॉस्ट ओवर द ईयर्स, ओवर द 3-4 ईयर्स, 3 से 4 साल में ACCA कंप्लीट हो जाता है, वो 12 से 15 लाख से ऊपर नहीं है। 15 लाख भी मैं ये सोच के कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता स्टूडेंट से कभी पेपर फेल हुए, कुछ गलतियां उससे हुई, उसने टीचर्स की बात नहीं मानी, अदरवाइज बहुत एवरेज माइंड का हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो टीचर की बात मान के चलता है, ओबीडियंट स्टूडेंट, वो फेल नहीं होता। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, जीनियस फेल हो सकता है, ओबीडियंट फेल नहीं होगा। जो अपने टीचर्स की बात मान के चलेगा वो फेल नहीं होगा। हम विफी में कैसे पढ़ाते हैं, मुझे क्वेश्चन एक ये भी आया हुआ है कि आपके आपकी क्या मेंटोर की सपोर्ट होगी? चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन आया हुआ है। यार देखो भाई, मेंटोर की सपोर्ट ऐसी होगी कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में ACCA के ऑनलाइन बेशुमार कॉलेजेस हैं, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको ऑनलाइन की टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। हाउ विफी इज डिफरेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम day 1 पे आपसे पैसे लेके, आपको लेक्चर्स देके, आपके साथ अपना रिलेशनशिप यहाँ पे खत्म नहीं करते। हम आपके एग्जाम तक आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो आपके F3 के टीचर सर अमजद हो, चाहे वो F2 के टीचर सर ताहा हो,
या कोई भी और टीचर हो विफिका, हमारी सपोर्ट आपके एग्जाम तक तो फॉर श्योर रहती रहती है, आपके रिजल्ट तक तो रहती रहती है। एंड आई थिंक बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग और मेंटोरिंग उसके आगे भी चलती है। मगर हम ऐसा नहीं करते कि आपने पे कर दिया, आपने लेक्चर्स ले लिए, रिलेशनशिप ओवर हो गया। नॉट एट ऑल। हम आपके साथ वीकली इंटरेक्ट करते हैं, हम आपकी असाइनमेंट्स और टेस्ट लेके वो मार्क करके देते हैं, हम आपका सिलेबस एंड होने पे उसका मॉक एग्जाम लेते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका पेपर पास हो और आप नॉलेज के साथ साथ इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका पेपर पास हो, क्योंकि हमारी सक्सेस आपके पेपर पास होने में, और हमें आपका पेपर पास किसी रट्टे या किसी शॉर्टकट से नहीं कराना, क्योंकि इस तरह हो ही नहीं सकता। सो डेफिनेटली हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं और हम आपको बिल्कुल गाइडेंस थ्रू आउट द सेशन प्रोवाइड करते हैं। देर इज नो डाउट इन इट। एनी अदर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आया हुआ है मुझे, काइंडली गिव अ फ्यू टिप्स अबाउट एसीसी एग्जाम्स। एसीसी एग्जाम्स को लेके टिप्स यही है कि मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि यहाँ पे ओबीडियंट स्टूडेंट फेल नहीं होता। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, डू यू ऑफर एनी स्कॉलरशिप्स? यार स्कॉलरशिप्स का ये सीन है कि हम क्वार्टरली डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। अभी क्योंकि ये सेशन बिल्कुल उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शायद मैट्रिक या ओ लेवल्स या ए लेवल्स फिनिश कर चुके हैं, जैसे कि एलिशबा, अर्श, मायरा, मे बी उमर, मे बी नूर, आप लोगों ने मे बी अभी अभी ओ लेवल्स या ए लेवल्स फिनिश किया हो, सो आई थिंक जो लोग अभी सेशन के बाद कांटेक्ट करेंगे विफी के एडमिशन डिपार्टमेंट को और वो एसीसी स्टार्ट करना चाहेंगे, आई एम डैम श्योर, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि हम उनको एक अच्छा सिग्निफिकेंट डिस्काउंट देंगे। जो लोग अभी अभी हमारे साथ बिल्कुल स्क्रैच से एसीसी शुरू करेंगे, आई एम श्योर के, क्योंकि एसीसी के इनिशियल लेवल में तीन पेपर्स हैं। अगर हम अगर मैं यू सोचूं, F1, F2, F3 से सोचूं, तो आई थिंक यू गाइज डिजर्व एटलीस्ट 30% ऑफ। तो आप इस पे मैं बात करते हैं हम, और आई एम श्योर हम स्कॉलरशिप्स ऑफर करेंगे। हाँ, अगर किसी के मैट्रिक या ओ लेवल्स ए लेवल्स में जबरदस्त ग्रेड्स हैं, जबरदस्त परसेंटेज है, तो यकीनन उसको एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट मिलेगा। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, विच इज बेस्ट अमंग सीए एंड एससीए? सर आप ब्रीफली, व्हाट इज बेस्ट अमंग सीए एंड एससीए? अच्छा सर, यहाँ पर दो बातें हो कि मैं आंसर कर देता हूँ। एक तो स्कॉलरशिप के हवाले से, तो अभी अभी मैंने मैनेजमेंट से कंफर्म किया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर सेशन के फौरन बाद विद इन 1 और 2 डेज हमें हमारे पास एनरोल करता है फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम, तो हम उनको फ्लैट 40% ऑफ देंगे ऑन द ट्यूशन फीस। तो ये That's पहली great. स्कॉलरशिप के हवाले से बात है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो ग्रेड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ए लेवल्स में 3 या 4 A ग्रेड्स वाला स्टूडेंट है, तो वो आप अपनी प्रोफाइल हमें सबमिट करें, हम उसको एवेल्युएट कर कर अप्रोप्रिएटली आपको स्कॉलरशिप्स भी अवॉर्ड कर रहे होंगे। सेकेंडली, एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है कि सीए और एसीसीए में से क्या बेहतर है। और ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैं सीए और एसीसीए दोनों को पढ़ाता हूँ, तो बहुत बार मैं इस क्वेश्चन को फेस कर रहा होता हूँ। तो देखें, मैं बच्चों को एक सिंपल सा एक रूल बताता हूँ। आजकल जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के हर बच्चा क्वालिफिकेशन के बाद, और मेरे बैच में भी, जब मैं एसीसीए मेंबर बना, मेरे बैच में भी, और उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी देखा है कि अराउंड 90% बच्चा जो सीए या एसीसीए करता है, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर जॉब करना प्रेफर करता है और बाहर ही चला जाता है। 10-15-20% लोग वो होते हैं जो एसीसीए कर कर या सीए कर कर पाकिस्तान में ही रहते हैं। और ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि यहाँ पर जो आजकल के हालात चल रहे हैं, दैट इज जो इन्फ्लेशन का हाल है और सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा होना भी चाहिए। आपको अपने बारे में इस तरह से सोचना भी चाहिए। अगर तो आपको यूँ लगता है कि यू आर 100% श्योर, यू आर 100% श्योर कि आपने जो है वो पाकिस्तान में ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, पाकिस्तान में ही रहना है, तो फिर तो आप सीए कर लें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, नियर फ्यूचर में मुझे जो है वो बाहर चले जाना है, यूके, मिडिल ईस्ट, सऊदिया, यूएसए, कहीं पर भी, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एसीसीए करें। और अगर बिलफर्स 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 एसीसीए करने के बाद आपका प्लान लेट से चेंज हो जाता है कि सर मैंने एसीसीए तो कर लिया, लेकिन अब सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि घर वाले कहते हैं कि यहाँ पर मैं रहूं, तो फिर आप अप्रोप्रिएट जो एग्जेम्पशंस होती हैं सीए में, वो क्लेम कर कर अपना सीए कंप्लीट कर सकते हैं।
सो आंसर इज वेरी सिंपल. अगर हम 90% या मेजोरिटी के साथ जाएं, तो आजकल के हालात के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि अगर कोई ACCA अफोर्ड कर सकता है, दूसरी क्वालिफिकेशन के मुकाबले में इसकी फीस कोई खास ज्यादा नहीं है, और अगर आपको यूँ लगता है कि आपने जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर कर अब्रॉड मूव हो जाना है, ACCA इज दी राइट अप्रोच. ACCA की तरफ आप जाएं और ACCA की क्वालिफिकेशन करें. अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस क्या मैं भी आंसर कर देता हूँ. एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, और वो है, डिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्ट अकाउंटिंग फील्ड. तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर हम सोचें, AI के हिसाब से सोचें, बॉट्स के हिसाब से सोचें, जो भी नई चीज़ें आई हैं आप लोगों के सामने, बहुत सारे पावरफुल टूल्स आए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं बल्कि हर फील्ड का बंदा उस पे इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर आया. अब आपने इसको एक्सेप्ट करना, और आपने ये देखना है कि मैं AI को इस्तेमाल कर कर अपनी फील्ड में मजीद दूसरों से बेहतर कैसे हो सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ टीचर अपनी बात करता हूँ, मुझे मालूम है कि आज से बहुत टाइम पहले हम जब बच्चों के लिए MCQs बनाते थे, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो हम सारे MCQs खुद बुक पढ़कर ना ड्राफ्ट कर रहे होते थे और फिर उसके ऑप्शंस बना रहे होते थे. वाई नॉट क्या आज मैं ChatGPT इस्तेमाल करूँ, ChatGPT को बोल दूँ कि भाई ये पैराग्राफ है, आप इसके 4-6 MCQ, 10 MCQs मुझे बनाकर दें, मुझे बच्चों का टेस्ट देना, वो मुझे ड्राफ्टिंग कर कर देगा. हाँ, उसके बाद मुझे उसको यूज करना आना चाहिए, मुझे उसकी चेकिंग करनी पड़ेगी, मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएटली जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से है या नहीं है. तो हर फील्ड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट आता है. अच्छा, कमिंग टू ACCA, क्या ACCA में ये सारी चीज़ें हमें खुद एडॉप्ट करनी होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे जैसे वक्त के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं, एनुअली हर साल सितंबर में ACCA का सिलेबस अप्रोप्रिएटली रिवाइज हो रहा होता है. यानी कि जिस तरह से आप एज ए स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी वजह से मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं अकाउंटेंट बना और भूखा प्यासा नंगा मर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है. ACCA वालों को भी ये सारी समझ है, अकल है, सोच है, तो वो अप्रोप्रिएटली आपका सिलेबस रिवाइज करते हैं ताकि आप उस जमाने के साथ चलते रहें जिस जमाने में आप ACCA कर रहे हैं. ACCA 100 सालों से चल रहा है, और हर साल जो है वो पेपर के सिलेबसेस रिवाइज किए जाते हैं, देखा जाता है कि कहाँ अमेंडमेंट, कहाँ चेंजेस की जरूरत है. अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी. सर, व्हाट इफ इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया, तो हम ACCA स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ACCA स्टार्ट कर सकते हो. आपका जब इंटर का रिजल्ट आएगा तब आप अपनी ACCA की रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, लेकिन आप अपनी ACCA की क्लासेस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. आप जो है MA1, MA2, FA1, FA2, जो FD फाउंडेशन के हमारे पेपर्स होते हैं, उससे आपको स्टार्ट करना होगा. अगर आपने इंटर कॉमर्स किया है तो आपके पास FA1, FA2 की एग्जेम्पशन होगी. अगर इंटर कॉमर्स नहीं किया तो आपने MA1, MA2, FA1, FA2 के पेपर्स देने होंगे. आप उसकी तैयारी करें, जैसे ही रिजल्ट आए आपका आप अपनी इनरोलमेंट करवाएं. एंड टू एड ऑन, एक और बात मैं बड़ी सिंप्लीफाई कर दूं कि ACCA के लिए आप मेट्रिक के बाद या ओ लेवल्स के बाद भी ACCA शुरू कर सकते हैं. अगर आप ओ लेवल्स या मेट्रिक की बेसिस पर अपना ACCA शुरू करेंगे, और अगर आप इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो जो दो एग्जेम्पशंस आपको मिली थी FA1 FA2 की, वो नहीं मिलेंगी. तो अगर कोई बच्चा मेट्रिक करा हुआ है, अगर किसी ने ओ लेवल्स करा हुआ है, अगर किसी ने ए लेवल्स किया हुआ है, अगर किसी ने इंटर किया हुआ है, ये सारे लोग ACCA स्टार्ट कर सकते हैं, उनको रिजल्ट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. सर, OBU की डिग्री के अलावा बैचलर्स डिग्री लेना नेसेसरी है या इट इज ओके अगर OBU की बैचलर की डिग्री है तो? अच्छा, इसके लिए मैं चाहूंगा सर सैयद अमजद, क्योंकि वो हमारे OBU के मेंटोर भी हैं विफी पर, विफी के प्लेटफॉर्म पर. तो सर, ओवर टू यू, आप OBU से रेलिवेंट जो क्वेश्चन है उसको प्लीज आंसर करिएगा. सर, एक तो चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वेयर यू आर प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूरोप की साइड पे प्लान करें तो फिर तो आपको OBU की या बैचलर्स की डिग्री की जरूरत नहीं है. बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर कि आप UAE या मिडिल ईस्ट की तरफ कहीं मूव होना चाहें, तो वहां आप वीजा रिक्वायरमेंट में बैचलर डिग्री मैंडेटरी कर. मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा. आई थिंक अब जो बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है ACCA के साथ, आई थिंक उसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आ रहे. यानी आप वैसे बैचलर डिग्री हो, यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा फॉर अ स्किल लेबर वीजा. अगर आप बैचलर डिग्री नहीं है तो आप स्किल लेबर वीजा अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए अगर आप स्पेशली, क्योंकि यहाँ से तकरीबन मैं कहता हूँ 60% इंडिविजुअल्स आर प्लानिंग टू मूव टू यूएई, तो वहां पर फिर आपको रिक्वायरमेंट आती है. तो ये एक वो एस्पेक्ट है जिसको आप देख सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा बैचलर डिग्री आपकी कोई भी होगी तो एज ऑफ नाउ जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो चलेगी. बट OBU
वे गिव यू अ प्लस पॉइंट, क्योंकि यूएई के अंदर एक कल्चर है कि आप अगर सीए या एसीसी करके जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो यूरोपियन क्वालिफिकेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट दे डू प्रेफर, क्योंकि दे आर माइट बी मोर इम्प्रेस्ड विद द यूकेज और द ब्रिटिश और अमेरिकन्स, तो इस वजह से वो थोड़ा उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। बाकी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से यूएई मूव किए और फिर वहां से दे मूव टू यूके बाय एनी रूट, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो वापस भी यूके से नेशनैलिटी ले क्लेम करके वापस यूएई आ गए, क्योंकि इट्स क्लोज टू पाकिस्तान, प्रीमिसेस 2 आवर्स लगते हैं, यू आर जस्ट लाइक स्टेइंग इन कराची, 2 घंटे में आप कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची मूव कर जाते हैं, और यही टाइम पीरियड आपका ड्यूरेशन लगता है तकरीबन फ्लाइट का यूएई के लिए, तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यूएई के पास हो। तो उसकी बेसिस के ऊपर, सिर्फ उस नेशनलिटी की बेसिस के ऊपर उसको जो इंक्रीमेंट लगा, यू कांट इवन इमेजिन, दैट वाज मल्टीपल फोल्ड्स हायर कंपेयर टू व्हाट व्हेन ही मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई। तो ये थोड़ा सा आप कह लें कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वी कैन से, बट कॉम्पिटेंसी पे किसी का कोई ये नहीं है कि आप उसको डेडलॉक के साथ लेके चले। यस, बीकॉम इज फार मोर बेटर, अनदर क्वेश्चन, बीकॉम इज मोर देन एनाफ, आपको फिर बैचलर्स की जरूरत नहीं है, इफ यू हैव डन बीकॉम तो फिर बैचलर्स की जरूरत है, बट अगेन बीकॉम को शायद अब एजीसी रिकॉग्नाइज नहीं करता, इट्स अ डिप्लोमा डिग्री, तो उससे ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं। बस एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं जो शायद सर ताहा ने बहुत हद तक किया, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत क्वेश्चन मुझसे भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एआई की वजह से हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी। मैं कई दफा बच्चों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे ये बताएं कि आज से तकरीबन 60-70 ईयर्स बैक जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे तो क्या किसान हल नहीं लगा रहे होते थे? दे आर यूजिंग फॉर द कल्टिवेशन और हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, दे यूज टू, बट ट्रैक्टर आने से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने से क्या किसानों की जॉब्स खत्म हो गई? नहीं, उनको अपनी स्किल्स फर्दर डेवलप करनी पड़ी। ये याद रखिएगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, पॉसिबली नहीं। आप एआई को जब भी कोई रिक्वायरमेंट देंगे तो वो इंटरनेट पे अवेलेबल रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हुए हैं उनसे डेटा गैदर करेगा, आपसे जल्दी उसको प्रोसेस करेगा और आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन जहां आप ह्यूमन एफर्ट की बात करते हैं, जैसे एमसीक्यूज हम भी डेवलप करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी डेवलप कर रहे होते हैं, बट अगेन उसकी फर्दर रिफाइनमेंट के लिए हमें काम करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जो चैट जीपीटी से या कोई एआई अदर टूल से मुझे मिल रहा है वो शायद मेरी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा होता, जाए मुझे पता है रिक्वायरमेंट क्या मुझे स्टूडेंट को देनी है, तो फिर उस क्वेश्चन को मुझे मॉडिफाई करना पड़ता है। नो डाउट एआई इज हेल्पिंग मी आउट, बट एआई इज हैज नॉट कैपेबिलिटी ऑफ एलिमिनेटिंग ह्यूमन, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगी, जब आप एसी से क्वालिफिकेशन में चलेंगे तो इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, और मेरा नहीं ख्याल एसी का सिर्फ F6 टैक्सेशन है और P6 एडवांस सेक्शन जिसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन नहीं है, बट इंटरप्रिटेशन स्टिल देयर। अब इंटरप्रिटेशन आप डेटा दें और एआई से कि मुझे इंटरप्रिटेशन का, तो आपको एक जनरल इंटरप्रिटेशन देगा, स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन या वो इंटरप्रिटेशन जो रिक्वायर्ड है फॉर एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, वो कभी नहीं दे सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एआई का नॉलेज लिमिटेड है, वो सिर्फ वो चीजें दे सकता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका थॉट प्रोसेस नहीं है, ये थॉट प्रोसेस सिर्फ इंसान के लिए है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बताएं, अगर एआई ने सबको इलिमिनेट कर दिया तो मैं और आप कमाएंगे कहां से? जब मैं और आप कमाएंगे नहीं तो हम परचेजिंग कहां से करेंगे? इकोनॉमी चलेगी कैसे? भाई दुनिया इंसानों में चल रही है, मशीन पे नहीं चल रही। एआई के बच्चे नहीं है, एआई की बीवी नहीं है जिसके लिए उसे खर्चे करने हैं, एआई के पास गाड़ी नहीं है। सो टेक्निकली समझे थोड़ा सा कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये सब स्टोरीज बनाई हुई है, इट्स नॉट पॉसिबल कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर सके, हेल्प करने के लिए ह्यूमन को, एंड इट्स ऑलवेज देयर, राइट? और अगेन ओबीयू के लिए बीकॉम, जिन्होंने को पुराना बीकॉम किया हुआ है, दैट्स मोर देन एनफ उनके लिए तो ठीक है, लेकिन क्योंकि एचएससी के रूल्स थोड़े से रिवाइज हो रहे हैं तो आप बैचलर्स की क्वालिफिकेशन 4 ईयर्स, तो फिर कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जो कोलैबोरेशन के साथ करें, आई थिंक पाकिस्तान में भी हैं जो थोड़ा बहुत आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं, या वर्चुअल यूनिवर्सिटीज काफी सारे काम कर रहे हैं जो बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर आपको बैचलर्स की डिग्री ऑफर करते हैं जो आपने वर्चुअल एग्जाम देने होते हैं, तो दैट डिग्री इज मोर देन एनफ विद एसीसीए क्वालिफिकेशन, क्योंकि बेसिक आपका एसीसीए है, बैचलर्स नहीं है। बैचलर सिर्फ आपको हेल्प आउट कर रहा है एक, या फेज आउट कर रहा है, रेस्ट यू वुड बी नोन व्हेन यू आर इन द जॉब रोल, यू वुड बी नोन एज प्रोफेशनल अकाउंटेंट रादर नोन एज अ डिग्री होल्डर,
तो डिग्री आपको सिर्फ एक स्टेप इन करने के लिए हेल्प कर रहा है, बाकी आपकी फर्दर जॉब के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, न्यू रोल्स लेने के लिए, वहां आपको ACC हेल्प करेगा, वहां डिग्री आपको हेल्प नहीं करेगी। दैट्स वे स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप बहुत सारी उनको देख लें, ऑर्गेनाइजेशन को, अकाउंटेंट्स आर ऑलवेज जो सीनियर पोजिशन पे, दे आर ऑलवेज क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, क्योंकि बैचलर डिग्री के अंदर आपको वो एनालिसिस, वो इंटरप्रिटेशन नहीं दिया जाता। इसकी एक एग्जाम्पल सीधी से समझ लेना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, मैं नॉर्मली ये बात करता हूँ कि ACCA किस लेवल पे या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किस लेवल पे जाके काम करें, आप किसी बैचलर डिग्री कोई भी आपका जानने वाला उससे बात करें, यार आपके साथ कितने स्टूडेंट इनरोल होते हैं और कितने स्टूडेंट डिग्री पास करते हैं, तो आपको बताएंगे तकरीबन 99% क्वालिफाई करता है, नॉर्मली तो 100% क्वालिफाई करते हैं, एक आधा स्टूडेंट अगर रह गया तो वो भी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। ACC क्वालिफिकेशन के अंदर जब तक कोई एफर्ट्स नहीं करता, जब तक कोई उस लेवल के ऊपर नहीं जाता, और 90% स्टूडेंट यही समझते हैं बस ठीक है ये यूनिवर्सिटी जैसे हम पढ़ते रहे वैसे ही पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसे कोई पास नहीं। ये बहुत टेक्निकल आस्पेक्ट है, शायद कोई एग्जाम टिप्स की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ACCA के लिए है, डिवेलप योर अंडरस्टैंडिंग। रट्टा नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि आप जब भी एग्जाम में बैठे होंगे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा हो। सो डिवेलप योर अंडरस्टैंडिंग, उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। आई बिलीव सर अहमद और सर ताहा अब दे बी लुकिंग इनटू दिस एस्पेक्ट फर्दर, आप एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा अपना जो 10-12 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसमें मेरा एक ही जजमेंट है कि बच्चे की अगर अंडरस्टैंडिंग है ना तो क्वालिफाई कर जाएगा। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसको पूरी एग्जाम किट याद है और पूरी बुक याद है, उसको पेज नंबर भी याद है, वो कभी क्वालिफाई नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, द बेस्ट टिप फॉर योर क्वालिफिकेशन। वो कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बेशक वो CA है, वो ICMA है, वो ACCA है, वो पिपा है, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू डोंट अंडरस्ट और यू डोंट ग्रास्प द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट व्हाट द मेन स्कोप ऑफ दैट आइडिया इज, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस आइडिया की एप्लीकेशन आपसे एग्जामिनर डिमांड कर रहा है, उसकी रिप्रोडक्शन डिमांड नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटीज 99%, बल्कि 99% से कम बोल रहा हूँ, 100% होना चाहिए, वो आपसे रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड वो डिमांड करते हैं, वो आपसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिमांड नहीं कर रहे होते। तो ये एक लैग है बिटवीन द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड कन्वेंशनल क्वालिफिकेशन। सर सर अहमद, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इनटू इट। सर मैं बस एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा यार। मैं जरा एक ब्रीफ समरी बता दूं, ये एज्यूम करते हुए कि आप में से कोई ऐसा भी है सुनने वाला जिसको बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है चीजों का। देखो यार, अगर मेरा मैट्रिक हुआ हुआ है मैं तब भी ACCA स्टार्ट कर सकता हूँ, एंड यू माइट बी शॉक्ड अगर आप, मेरा मैट्रिक नहीं हुआ हुआ मैं तब भी ACCA स्टार्ट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल यार, सर अमजद बिल्कुल, ट्रस्ट मी। आई नो इट, आई नो और इट। मैं ये सोचा मैंने भी मिस कर दी बात। तो फर्क सिर्फ इस तरह से है कि पाकिस्तान में अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, FSC की हुई है, या इवन आपने ओ लेवल्स किया हुआ है, तो आपको मैं बिल्कुल समरी, बिल्कुल आसान वर्ड्स में बोलूंगा, आपको 17 पेपर्स पास करने हैं। और अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई हुई है या ए लेवल्स को एक आला मकाम हासिल है, ए लेवल्स किया हुआ है या ग्रेजुएशन है आपकी ऑथेंटिक, तो आपको 13 पेपर्स पास करने इंस्टेड ऑफ 17, 4 पेपर्स कम हो जाते हैं। तो जो मैट्रिक FSC, वो मोस्टली लोग FSC के बाद स्टार्ट कर रहे होते हैं ACCA, तो उनको 4 पेपर एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। वो 4 पेपर्स एक्स्ट्रा करने में 6 to 8 months लग जाते हैं। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या मैं वो 8 months लगा के 4 पेपर एक्स्ट्रा करूं या 2-3 साल लगा के ग्रेजुएशन करके आऊं, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, ये 4 पेपर एक्स्ट्रा कर लो 6 महीने में, 8 महीने में। बहुत ईदें आ गई बीच में, एक ईद, दूसरी ईद, कोई फैमिली में कजन की शादी आ गई, चलो 9 या 10 महीने लग जाएंगे वर्स्ट कम सिनारियो। मगर उसका आपको फायदा ये होगा कि आपकी बेस और आपकी फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपने 13 पेपर्स जो बाद में करने, आपने उससे पहले 4 पेपर एक्स्ट्रा कर लिए, उसी से रेलेवेंट, वही सब्जेक्ट्स जो आपने आगे जाके पढ़ना था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, आपने उसके बेबी पेपर्स पढ़ लिए, वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपने जाके ACCA में पढ़नी थी, उन 13 पेपर्स में आपने पहले उसके बेबी पेपर्स पढ़ लिए, तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है। सो जस्ट फॉर द क्लैरिटी, ईदर यू हैव टू पास 13 पेपर्स इफ यू आर ए लेवल्स और इफ यू आर ग्रेजुएट, या आपको 17 पेपर्स करने पड़ते हैं अगर आप मैट्रिक, FSC, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग किया हुआ हो।
इन पेपर्स की सबसे कमाल बात यह है कि आप अपनी पेस के मुताबिक देते हैं। इन 17 पेपर्स में से पहले 8 पेपर्स आप जब प्रिपरेशन हो जाती है तब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। और जो बाकी पेपर्स हैं आपके पास, यानी कि बाकी 9 पेपर्स जो हैं, जिनमें से आपके पास 5 पेपर्स स्किल के हैं और 4 पेपर्स प्रोफेशनल लेवल के हैं, उनके पेपर साल में 4 दफा होते हैं, एवरी मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। इन चारों मंथ्स, 3rd, 6th, 9th एंड 12th मंथ के फर्स्ट वीक में एग्जाम्स होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम डेट्स होती हैं। इस तरह से हमारा ये सिस्टम चलता है। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर ACCA को सेल करने वाले नहीं बता रहे होते, इट्स नॉट अबाउट 13 पेपर्स जो कि आपने पास करने हैं। अलोंग विद दैट आपको 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना है। तो अगर आप वही बात यूरोप को देखेंगे, यूएई को देखेंगे, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं इंडिया को देखेंगे, तो उनकी वहां पे 90%+ जो है वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को कंप्लीट करती है। अनफॉर्चुनेटली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 90+ स्टूडेंट्स जो हैं, 90%+ स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम नहीं करते। और जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि पेपर्स पास कर लेते हैं, तो वो ACCA मेंबर नहीं होते, एफिलिएट होते हैं, और फिर वो काम ढूंढना शुरू करते हैं और उनको मजीद 3 साल स्ट्रगल करना पड़ता है। सो विफी की आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप हमारे साथ फाउंडेशन लेवल स्टार्ट करें। 6 to 8 months में यू विल बी इन अ पोजीशन जहां आप अपनी CV ड्रॉप करके कहीं ना कहीं कम पैसों पे सही मगर इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके जो नेक्स्ट 2-3 years गुजरेंगे, दे विल नॉट बी अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू योर अर्निंग, बट श्योरली आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और जब ओवरऑल 3 साढ़े 3 साल के अंदर आज के दिन से लेके आपके ACCA क्वालिफिकेशन खत्म होती है, यानी आपकी पढ़ाई खत्म होती है, तो आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है और आपको एक बहुत रिस्पेक्टेबल और अच्छी जॉब ना सिर्फ पाकिस्तान में, और पहले ही इस पे बात हो चुकी है कि पाकिस्तान से बाहर तो इजीली मिलती है। ओके, चैट बॉक्स में मैं कहता हूँ, मायरा का क्वेश्चन है, माय कॉलेज करियर काउंसलर सेड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स इन ए लेवल्स टू डू ACCA। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने 2009 में ACCA स्टार्ट किया था और 2012 में क्वालिफाई किया था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने जब ACCA स्टार्ट किया था तो मैं मैट्रिक FSC, मैट्रिक मैंने कंप्यूटर्स रखा हुआ था सब्जेक्ट, मतलब बायो नहीं रखी थी, और FSC मैंने प्री इंजीनियरिंग रखी थी। तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडीज का, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ACCA स्टूडेंट को बिल्कुल शुरू में पढ़ाना शुरू करते हैं, हम जीरो से, स्क्रैच से लेके चलते हैं। हम ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करते कि उसको पहले से कुछ आता है। हाँ, अगर मायरा आप मुझसे ये पूछो कि यार मुझे ए लेवल्स करना है और मुझे फिर ACCA ज्वाइन करना है, मैं कहूंगा ओके, गुड, वेरी गुड। आप मुझसे पूछो कि मैं ए लेवल्स में क्या सब्जेक्ट रखूं, तो मैं कहूंगा हाँ इकोनॉमिक्स रख लो, बिजनेस स्टडीज रख लो, अकाउंटिंग रख लो, मैथ्स तो मैं फिर भी नहीं बोलूंगा। यार मैं पहले तो ये बात क्लियर कर दूं, ACCA इज नॉट अबाउट मैथ्स। क्या थ्रू आउट द ACCA आपको मैथ्स की जरूरत होगी? यस, मगर वो 7th 8th क्लास से ऊपर का मैथ्स नहीं है। हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स D1 D2 पढ़ा हुआ हो ओ लेवल्स का, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। और चैट बॉक्स में देख लेते हैं, नूर मलिक का क्वेश्चन है, सर प्लीज गिव फ्यू टिप्स, हाउ कैन आई मेक माई डेली रूटीन। देखो यार, ACCA में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, पहले बोल चुका हूं आपको ना ओबीडियंट होना है। आपको 2-3 आवर्स की पर डे क्लासेस अटेंड करनी है, तो 2-3 आवर्स आपको और पढ़ना है। 4 to 5 आवर्स से ज्यादा नहीं पढ़ना। 4 to 5 आवर्स पर डे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो, वो कभी इस प्लैनेट अर्थ पे फेल हो ही नहीं सकता। 4 आवर्स पर डे विदाउट सेल फोन एंड यू कैन नेवर फेल एनी ACCA एग्जाम। आई बेट, I can bet anything on that. Can I do ACCA abroad after A levels? देखो यार, ACCA के इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था ये फ्लेक्सिबल है, और मैंने बोला था 130-140+ कंट्रीज में इसकी रिकॉग्निशन है। आप विफी से पढ़ो, आप किसी कॉलेज में जाके कराची में पढ़ो, आप लाहौर में पढ़ो, आप इस्लामाबाद में पढ़ो, आप दुबई में पढ़ो, आप लंदन में पढ़ो, आप बर्मिंगम में पढ़ो, आप दिल्ली में पढ़ो, आप ACCA को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ACCA एक प्रोफेशनल बॉडी है, उसको ये नहीं जानना कि आपने ट्यूशन यानी कि कोचिंग यानी कि कॉन्सेप्ट्स किससे सीखे। उन्हें आपको एक एग्जाम देना है, आपने वो एग्जाम पास करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, वो एग्जाम कहाँ होता है? वो एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 100+ कंट्रीज में होता है। तो आप अपने ACCA को दुनिया के किसी भी कोने में परसू कर सकते हो। हमारे पास विफी में 120+ कंट्रीज के स्टूडेंट हैं।
आई एम श्योर सर ताहा के ही 100+ कंट्रीज के एटलीस्ट स्टूडेंट होंगे, तो अब्रॉड एब्सोल्युटली यस, चूज अ कंट्री, चूज एनी सिटी एंड आपको वहां पे इसी, आप ऐसा कर सकते हो कि आपने फॉर एग्जाम्पल डमी डेटा, आप इस्लामाबाद में क्लासेस ले रहे थे लेकिन आपने पेपर इस्लामाबाद में नहीं, आपने कराची में देना था, आपने पेपर बीजिंग में देना था, आपने पेपर दुबई में देना था, नो वरीज मायरा, एम आई क्लियर? आपको क्लियर है मेरी बात? और एक क्वेश्चन हमारे पास चैट बॉक्स में ये भी है अर्श अजीज का कि वीजा रिक्वायरमेंट, वीजा रिक्वायरमेंट के लिए सर अमजद ने बहुत डिटेल में बताया कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में आप बेशक एसीसीए मेंबर हो, आईकैप मेंबर हो, जो भी हो, आपके पास रेलेवेंट बैचलर्स की डिग्री होना जरूरी है। सो विद एसीसीए यू डेफिनेटली नीड बैचलर्स डिग्री, और एसीसीए आपको बैचलर्स डिग्री का रूट प्रोवाइड करता है। अप्रोक्सीमेटली 18,000 पाउंड लगते हैं ओबीयू की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन लेने में, लेकिन आपको थ्रू एसीसीए वो शायद हार्डली 500 पाउंड उसकी एग्जाम फी, 200-300 पाउंड उसकी मेंटोरिंग की फी, लेस देन 1,000 पाउंड में वो चीज मिल जाती है। नाउ दोज हु आर वंडरिंग कि क्या ओबीयू खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आई थिंक उस पर भी सर अमजद ने बड़ा जबरदस्त क्रिस्प आंसर दिया है। आई एम श्योर एसीसीए ऑलवेज थिंक्स अहेड एंड दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम, स्पेशली हमारे लिए तो वो वाकई बहुत आगे चल रहे होते हैं, तो उन्होंने आई एम श्योर अपना प्लान बी और सी फॉर्मुलेट किया है और वो कोई और एमओयूज और कोलेबोरेशन करेंगे। ऑब्वियसली अभी रिवील नहीं करेंगे क्योंकि अभी 2026 तक तो ओबीयू चल रहा है। और चैट बॉक्स में और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आंसर ना किया हो? ओके वन लास्ट क्वेश्चन, क्या विफी अप्रूव्ड है बाय एसीसीए? विफी वॉज एस्टैब्लिश बिफोर COVID-19, सो ये कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट नहीं था कि कोविड आ गया चलो जी ऑनलाइन पे मूव कर जाए, नहीं, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया विच फैसिलिटेट्स प्रोफेशनल वर्कर्स, इट फैसिलिटेट्स दोज जो अपनी पढ़ाई के साथ अपने काम को साथ लेके चलना चाहते हैं। विफी उनको फैसिलिटेट करता है आइडियली स्पीकिंग जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि यार ये जो 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और ये जो 3 साल की पढ़ाई है, ये टोटल 6 साल नहीं होने चाहिए, ये टोटल 3 से 4 साल होने चाहिए, यानी वो अपनी पढ़ाई और अपने काम को ओवरलैप कराना चाहते हैं। अगर वो अपनी पढ़ाई और अपने काम को ओवरलैप कराना चाहते हैं तो वो पढ़ेंगे कब? वो पढ़ेंगे थ्रू विफी रात के 12 बजे, रात के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट देयर ओन पेस, एट देयर ओन कन्वीनियंस। वो मेरे लेक्चर को 2 की स्पीड में देखेंगे, 1 की स्पीड में देखेंगे, 3 दफा देखेंगे, 2 दफा देखेंगे, इट्स एंटायरली अप टू यू। तो हम हाईएस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स, अपडेटेड लेक्चर्स, बेहतरीन क्वालिटी के एनिमेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ हम टेस्ट लेते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, वीकली इंटरेक्शन करते हैं और आपकी असाइनमेंट्स और मॉक मार्क करके देते हैं। सो दिस इज हाउ वी फैसिलिटेट दोज हु आर नॉट विलिंग टू वेस्ट देयर टाइम आने जाने में। कम्यूट इज अ बिग कॉस्ट, कम्यूट इज अ चैलेंज इस गर्मी में, मौसम में, वो अपने काम पे तवज्जो दें, वो वर्क फ्रॉम होम करें, वो फर्म में जाएं, तो यू विफी आपको फैसिलिटेट करता है। एंड लास्ट बट श्योरली नॉट द लीस्ट, यस विफी के पास गोल्ड एक्रीडिएशन है फ्रॉम द एसीसीए, यानी कि हम एसीसीए के अप्रूव लर्निंग पार्टनर हैं, यस हम एक रिकग्नाइज ट्यूशन प्रोवाइडर हैं। एनी अदर क्वेश्चन विच आई हैव मिस्ड? यस अर्श अजीज, आपका क्वेश्चन ये था कि आई थिंक ओबीयू के रेलिवेंट आपका क्वेश्चन था, तो मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बिल्कुल एसीसीए के थ्रू आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है, और अगर ओबीयू खत्म भी हो जाएगा तो एसीसीए 2026 में उससे बेटर कोई पैकेज लेकर आएगा। अभी एसीसीए उसको रिवील नहीं करेगा लेकिन एक दे विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जब एसीसीए उसको रिवील करेगा। क्यों अभी उसको रिवील नहीं करेगा? क्योंकि अभी क्यों रिवील करे? क्योंकि राइट नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ 2024, तो इवन अगर आज भी कोई बच्चा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एसीसीए स्टार्ट करता है 2024 में, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी के वो 2024 के दिसंबर में कोई एक आध पेपर, 2025 में 4 अटेम्प्ट आएंगी मार्च जून, तो वो अभी भी ओबीयू को परसू कर सकता है। वंस वी आर डन विद द 2026 अटेम्प्ट, उसके बाद एसीसीए डेफिनेटली कुछ न्यू चीज लेकर आएगा। आई आस्क ओबीयू एज अ डिग्री फॉर वीजा रिक्वायरमेंट इनफ? यस एब्सोल्युटली, मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक एक कहानी बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट करके बात बताता हूँ। अभी आज से 3 महीने 4 महीने पहले की बात है, रमजान का अप्रोक्सीमेटली आखिरी अशरा चल रहा था एंड आई वॉज ऑन माई वे होम, इफ्तारी से कुछ देर पहले की बात है, मुझे कॉल आती है दुबई से एक पुराने स्टूडेंट की, और वो मुझे बताता है कि मैं आई कैप मेंबर हूँ और मैंने फलां फलां के रेफरेंस से आपका नंबर ट्रेस किया है, आप विफी में पढ़ाते हैं, मुझे
7 साल हो गए हैं दुबई में, और मैं बहुत ही बिग गन, बिग कंपनी, बिग पोजीशन में, स्टेबल कंपनी में हूं, और मुझे ओबीयू चाहिए। मैंने उससे पूछा अनकॉन्शियसली, मैंने कहा यार तुम 7 साल से आईकैप मेंबर हो, 7 साल से दुबई में हो, तुम्हें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। उसने कहा जी सर, क्योंकि अगर मैं ओबीयू नहीं लूंगा तो मेरा वीजा कैंसिल हो जाएगा, ऑल्दो आई एम एन आईकैप मेंबर। तो मैं इस कहानी से आपको बताना ये चाह रहा हूं। तो उसने अब एसीसीए में खुद को ट्रांसफर किया, क्योंकि एसीसीए आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जहां प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ रही है आपके पास ग्लोबली रिकॉग्नाइज, वहां एकेडमिक एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी आ रही है। जैसे सर अमजद ने शुरू में बताया था, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक अलग चीज है, एकेडमिक एजुकेशन यूनिवर्सिटी अलग चीज है, ये दोनों चीजें ब्लेंड हो रही है यहाँ पे। तो मैंने उसको कहा बिल्कुल यू आर मोर देन वेलकम, और उसको FR और FM का पेपर देना था, डबल उसने फोरफीट कराया यानी ऑडिट का पेपर, और उसने ACCA में खुद को ट्रांसफर कराया। ये मैं आपको बता रहा हूं 2-3 महीने पुरानी बात। तो बिल्कुल आपके वीजा रिक्वायरमेंट के लिए OBU मोर देन इनाफ है। तो सर फिर इसके अलावा बैचलर्स की डिग्री की नीड नहीं, नहीं अगर आप ACCA को परसू कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में आप ACCA मेंबर बन जाते हैं, आपको HEC MCOM की इक्वलेंस दे देता है, आप OBU परसू कर लेते हैं, आपको ग्रेजुएशन मिल जाती है, बस आपको और कोई ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। आपको CSS को ऑप्ट करना है, मैं अज्यूम करता हूं, तो आपको उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, वो OBU के थ्रू आ गया। सर अमजद वॉज सेइंग अबाउट BCOM विल बी इनफ फॉर वीजा रिक्वायरमेंट, दैट कंफ्यूज मी, दैट इज OBU इज नॉट इनफ। नो, OBU इज इनफ, बट अगर आपका BCOM वेल रिकग्नाइज है तो वो भी इनफ है, फिर आप मत करो OBU। हम तो देखो यार अर्श, हम तो उन लोगों को इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं जो इस टाइम मेट्रिक या FSC के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वो आगे 2-3 साल को प्लान कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं वो ऑलरेडी बीकॉम नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम तो बीकॉम करना इतना वर्थ इट नहीं है ना। अगर आप FSC के बाद बीकॉम करते हो 3 साल लगाते हो, तो इंस्टेड 3 साल 4 साल बीकॉम में लगाने के 4 पेपर्स एक्स्ट्रा कर लो, वो 4 पेपर्स एक्स्ट्रा करने में इंस्टेड ऑफ 13 पेपर्स आपके 17 पेपर्स हो जाएंगे ना ACCA के, वो 4 पेपर्स एक्स्ट्रा करने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने, बहुत स्लो किया तो 8-9 months, दैट्स इट। तो आपने बीकॉम और ओबीयू दोनों लेने की जरूरत नहीं है। क्रेडिबिलिटी ऑफ ओबीयू के बारे में मैं कमेंट कर देता हूं। देखो यार, ओबीयू की क्रेडिबिलिटी ये है कि ये डिस्टेंट लर्निंग में यूके की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और ओके, मैं फिर ऑथेंटिक और लेजिट बात से आपको बताता हूं। लास्ट से लास्ट छोटी ईद पे सेरीना होटल में ईद मिलन पार्टी में ACCA पाकिस्तान के हेड ने मुझे ये कहा फेस टू फेस कि £18,000 लगते हैं ओबीयू की डिग्री को अचीव करने में, और पाकिस्तान में बैठ के बच्चा कैसे ले लेता है? हार्डली, मैंने पहले बताया £495 इसकी एग्जाम फीस है, £200-300 इसकी मेंटोरिंग की फीस है। तो बहुत एग्जैजरेट करके नंबर बोल रहा हूँ, लेस देन £1,000 में। तो क्रेडिबिलिटी इसकी है, पूरा यूरोप मानता है, पूरा UAE मानता है, सब मानते हैं। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ओबीयू सर इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, और बहुत अंडर एस्टिमेट करें, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, और मेरा ख्याल है वर्ल्ड वर्ल्ड रैंकिंग में ये टॉप 20 में आती है, वर्ल्ड रैंकिंग में जी टॉप 20 में आती है, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब यू आर लाइक थिंकिंग ऑफ ओबीयू, ओबीयू इज वे हाई क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, जी सर और मैं अब उसकी इन डेप्थ नहीं जाना चाहता कि वाई ओबीयू इज गोइंग टू विदड्रॉ इज एक्रेडिशन विद ACCA, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और अपनी एक्रेडिशन एग्जैक्टली को थोड़ी सी हायर रैंकिंग पे लेके जाना चाहे। दैट्स व्हाई दैट वाज वन रीजन अमंग के जहां पर ओबीयू ने कुछ ऐसा सोचा था, बट टेक्निकली ओबीयू बहुत हाईली एक्रेडिट है, और लोग सोचते हैं कि ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से उनको बैचलर्स मिले, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जी, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है भाई चैट बॉक्स में कि ये हमने क्लेम कब? देखो यार, ये आपने ACCA के, मैंने जैसे आपको बताया 3 लेवल्स हैं, तो आपका जो थर्ड एंड फाइनल लेवल है उससे पहले आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी मर्जी, आप तब कर लें या बाद में कर लें, लेकिन यस, आपके FM तक पेपर्स, जब आउट ऑफ 13 9 पेपर्स के बाद आप एलिजिबल हैं कि आप OBU को ऑप्ट कर सकते हैं। आपको थीसिस लिखना होता है और आप रेडी होते हैं उसके लिए, एलिजिबल हो जाते हैं। और कुछ एक दो क्वेश्चंस मेरे पास और भी आए हुए हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ACCA क्या है। ड्यूरेशन ऑफ ACCA फॉर एन एवरेज स्टूडेंट आई थिंक 3 साल, फॉर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट 3.5 साल, कुड भी 4 साल, मगर इससे ज्यादा इसका ड्यूरेशन नहीं है, इससे कम भी हो सकता है, 3 साल से कम भी हो सकता है। सारी बात ओबीडियंस की है। कोई क्या क्या ACCA करने के लिए आपको 10-12-14 घंटे पढ़ना होता है? रबिश,
ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 घंटे भी बहुत ज्यादा बोल दिए थे मैंने थोड़ी देर पहले, 4 घंटे हाँ पर डे विदाउट सेल फोन। हाँ विद सेल फोन तो मैं 12 घंटे भी पढ़ सकता हूँ अभी भी। विद सेल फोन तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन विदाउट सेल फोन 4 घंटे भी पढ़ लिया तो बहुत है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? आई थिंक दिस इज इट। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थैंक यू वेरी मच सर अमजद, एंड थैंक यू वेरी मच सर ताहा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से। जी चैट बॉक्स में आया है वन क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड, प्लीज अपना क्वेश्चन दोबारा पोस्ट कर दें, वो बहुत सारे क्वेश्चंस में ना कहीं इधर उधर हो गया है। सर सर ताहा आप कुछ कहना चाहेंगे एंड पे? नहीं, हाउ इज द मैं वेदर सर? गर्मी तो यहाँ पे भी बहुत है और वहां पर भी होगी। मैं सर अमजद को देखकर यही सोच रहा था, बड़ा जी कंट्रोल किया है इन्होंने। सर जी एसी किस चला, सोलह सोलह पे एसी चलाकर बैठे फुल। सर, मैं सोच मेरी तो यहाँ पर एसी में टी शर्ट में भी हालत टाइट हुई है, बहुत गर्मी है। तो कहूँ। इस्लामाबाद का टेम्परेचर इज फार मोर बेटर ना। मैं पिछले दिनों अच्छा 3 4 दिन पहले गया, 2 3 दिन पहले मियां आने वापस आके जो मेरी हालत टाइट थी, गाड़ी में पता ही नहीं चल रहा था एसी चल रहा है। ये 50+ टेम्परेचर, 2 दिन पहले बारिश हुई है वहां, मेरे अच्छा क्लाइंट के हाँ पास जाना था। ओह माय गॉड, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी गर्मी, सही हालत खराब हो गई। सही अच्छा सही एक सही चीज छोटी सी, आई थिंक एक क्वेश्चन शायद किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि ACCA के लिए कौन सी ज्यादा बेहतर है कि मैं मैट्रिक में या इंटर में कौन से सब्जेक्ट्स पिक करूं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि OA लेवल्स माइट बी, बाकी टीचर से डिसएग्री करें, बट मेरी एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप ओ लेवल्स करें तो अकाउंट्स के सब्जेक्ट पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और फिर आप किसी स्टूडेंट को या अपने जानने वाला कोई है, वो आपसे कहते हैं मैं आई कॉम बी कॉम करके जाना चाहता हूँ, तो उसको ये मशवरा दे भाई FA कर लो, FSC कर लो, डोंट डू आई कॉम और बी। आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट वो खराब होते हैं कि वो कभी सीधे नहीं होते, और वो बच्चा सबसे बड़ा सही बात प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है। ये मेरा अपने सही पर्सनल बात है एक्सपीरियंस सर, है, सही बात बाकी है। के हैं, लेकिन ये आई इतना कॉम बड़ा बी कॉम ना करो, प्रॉब्लमेटिक कुछ भी चाइल्ड कर हो जाता लो। है टीचर के लिए कि इट्स मैं उसे समझ नहीं आ रही थी उसको कैसे समझाऊं, क्योंकि उसने अपने कॉन्सेप्ट की वो खराबी कर ली होती है कि उसको आप 10 दफा भी समझाएं तो उसको वो कॉन्सेप्ट भूलते नहीं है जो उसने आई कॉम और बी कॉम पढ़े में। तो ये मेरी एक बहुत ही कह रहे कि सिंसियर एडवाइस है जो भी जानने वाला है, इफ ही और शी वॉन्ट टू परसू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसको हाथ जोड़ के मिन्नत करके के भाई आई कॉम बी कॉम नहीं करना, क्योंकि मुश्किल आपके लिए होगी, बिल्कुल ठीक टीचर के लिए है, चले जो है ही है, वो तो बेचारा आप जब हमारा लाइव सेशन होता है कोई ऐसा बच्चा आ जाए तो खुद परेशान होते हैं, आप करें क्या इसके साथ, समझ नहीं आ रही। सो इट्स बेटर कि आप आई कॉम और बी कॉम इफ यू वॉन्ट टू परसू द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डोंट गो। ठीक है ओके सर, क्वेश्चन था, प्लीज कंटिन्यू। सर सर एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास। इन अब्रॉड इज इट दैट ACCA विल नॉट बी परफेक्ट? नहीं यार देखो, ऐसी बात नहीं है। देर इज अ ह्यूज पॉसिबल, देखो कुछ कंट्रीज में जैसे यूएस में आपको वो इतना प्रेफर नहीं कर रहे होते, लेकिन बहुत मेजोरिटी कंट्रीज में ये होता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की आपस में एक दूसरे के साथ एमओयूज हुए हुए होते हैं। तो वो क्या होता है कि आप जब उस कंट्री में जाते हैं तो आप वहां का एक आध पेपर, जैसे कि टैक्स का, लॉ का पेपर देते हैं और आप वहां के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ब्रीफली समझे, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें। सर कॉर्पोरेट लॉ अक्रॉस ग्लोब मोर और लेस में, इवन यूएस में सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सो ये एक बहुत ही बड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि वहां जाके, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया जो मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक है कि यूएस में जाकर आपको कंप्लीट CPA करना पड़ता है, दैट्स द ओनली कंट्री जो मेरे नॉलेज में। रेस्ट अक्रॉस ग्लोब आप जाएंगे तो ACCA 170 कंट्रीज में काम करे और MAU साइंस है, आपको एक्रेडिशन ACC की मिलेगी मिलेगी। मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे कम एग्जेम्पशन अगर ACC को मिलती है तो पाकिस्तान में मिलती है। अक्रॉस ग्लोब जी ACC इज वे हार्डली एक्रेडिटेड प्रोफेशनल बॉडी, जो लोगों को शायद अंदाजा नहीं है। आज एक काम कीजिए सब स्टूडेंट जाके ना, आप सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी की रैंकिंग ग्लोबली चेक करेंगे, ACC तीसरे या चौथे नंबर पे आता है, ICAP आठवें 10वें नंबर पे आता है। जस्ट गूगल इट आउट, आप मतलब शायद हो सकता है आपको लगे कि हम बहुत एग्जेजरेट करें, बट वी वर टेलिंग यू द ट्रूथ। दुनिया का आई थिंक CPA या ICAW सबसे पहले नंबर पे है, देन CPA, देन तीसरे नंबर पे आई थिंक ACC आता है, तीसरे या चौथे नंबर पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
दुनिया में इट्स हाईली एक्रेडिटेड प्रोफेशनल बॉडी, ऐसा नहीं है, सबसे पुरानी प्रेस्टिजियस बॉडी और 170 कंट्री, शायद इतने में तो आईसीडब्ल्यू काम नहीं कर रहा जितने कंट्रीज में एसीसीए काम कर रहा, और इन सब कंट्रीज के साथ उसके एमओयू है। इवन पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले, चले जाएं आप उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अर्सा पहले कैट की पूरी एग्जम्पशन मिलती थी जब अगर आप एसीसीए क्वालिफाइड है, जो मैपिंग होती थी। ये तो कुछ बीच में इश्यूज आए 2011-12 के अंदर, जिसमें आईकैप ने पहले तो छोड़ ही दिया था कि हम आपको कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे, फिर वो कुछ दो तीन केसेस फाइल हुए। आई थिंक मैंने सरमजित का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। मैं जरा क्विकली जरा चैट बॉक्स को रैप अप कर दूं। अर्श अजीज का क्वेश्चन है, सो आर यू सेइंग कि एसीसीए स्टूडेंट को बाकी प्रोफेशनल लोकल बॉडी की मेंबरशिप मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। वंस यू आर इन अ पर्टिकुलर कंट्री तो आप वहाँ का टैक्स और लॉ का पेपर देते हैं और वहाँ काम करते हैं, बिल्कुल मिल जाती है। और एक और क्वेश्चन जो मैंने आंसर नहीं किया वो ये था कि विफी का पासिंग रेशियो क्या है। देखो यार, विफी का पासिंग रेशियो जो ग्लोबल रिजल्ट्स आते हैं उससे फार बेटर है। अदरवाइज विफी को गोल्ड एक्रीडिएशन एसीसीए की तरफ से ना मिलती। तो क्योंकि मैं पासिंग रेशियो पे इसलिए कमेंट नहीं कर रहा अभी क्योंकि हर क्वार्टर बाद हमारा रिजल्ट आता है, तो मैं कौन सा रिजल्ट आपको बताऊं? डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स ग्लोबल रिजल्ट से बेटर हैं, तभी हमारे पास गोल्ड एक्रीडिएशन है। और आई थिंक दैट्स अ क्लियर कट एविडेंस। और आईकॉम बीकॉम के बारे में हमने क्या बोला, उसको रिपीट करने की जहां तक बात है, हमने आईकॉम बीकॉम के बारे में ये बोला कि भाई मैट्रिक कर लो, एफएससी कर लो, ओ लेवल्स कर लो, ए लेवल्स कर लो, कुछ भी कर लो, बाबर आजम फैन क्लब चला लो बेशक, लेकिन आईकॉम बीकॉम मत करो, कुछ भी कर लो। जी बिल्कुल, आईसीडब्ल्यूसी कनाडा में भी इसकी एक्रीडिएशन है। दिस इज इट, आई थिंक वी आर डन विद दिस सेशन। और अगर आप लोगों की और भी कोई कुछ क्यूरीज जी सर, आई हो थिंक तो यू आर मोर देन वेलकम। आप विफी की वेबसाइट के थ्रू, विफी को व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, वी आर अवेलेबल हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल था। एंड लास्ट बट श्योरली नॉट द लीस्ट, थैंक यू वेरी मच सर ताहा, थैंक यू वेरी मच सर अमजद। एंड स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। और अगर आप एसीसीए ज्वाइन करते हैं तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डिसीजन, बिकॉज आप एक पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन को परसू कर रहे हैं। सो यू विल नेवर बी शॉर्ट ऑफ स्किल्स, और आपकी जो ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी ओवर द 3-3.5 ईयर्स डेवलप होगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होगी। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक द लीव। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड थैंक यू, एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय बाय, द समर। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।